इसको देख रहे हो, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये कुछ डिजाइन से बना गया है कैसे, ऊपर से हाथ में इसकी जो मसल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस आ गए हैं आज फिर अपने एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो गाइस आज पीछे देख रहे हो लोकेशन, आज आए हुए हैं वेस्ट ऑफ वंडर जो कि पार्क है। आज यहाँ पे आए हुए हैं वेस्ट ऑफ वंडर पार्क थीम है, तो यहाँ पे आए हुए हैं देख लो, काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं। तो अभी यहाँ पे अंदर चलते हैं, अंदर कभी आपको दिखाते हैं, फिलहाल कहते हैं चलते हैं गाइस अंदर, लेट्स गो, सही देखते हैं अंदर क्या होता है। अभी आ गए हैं वेस्ट ऑफ पार्क के अंदर और चलते हैं लेट्स गो, देखते हैं अंदर क्या क्या देखने को मिलता है यहाँ पे। तो चलते हैं गाइस, काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी पार्क वार्क यहाँ पे है। आ गए हैं गीजा पिरामिड के पास, जो कि देख रहे हो ये गीजा का पिरामिड बना हुआ है, ये भी वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है, लोहे की रॉड वगैरह है, लोहे की रॉड वगैरह से बना हुआ है वेस्ट ऑफ मटेरियल। कितने अच्छे से वेस्ट मटेरियल का यहाँ पे यूज किया गया है। यहाँ पे हमें देख के बहुत कुछ समझने को मिलता है कि वेस्ट मटेरियल का हमें कैसे यूज करना चाहिए, क्योंकि वेस्ट चीज़ें जो हमें जिसे हम वेस्ट समझते हैं कभी वो वेस्ट नहीं होती। देखो कितने अच्छे से यहाँ का वेस्ट चीज़ों को यूज किया गया है, वेस्ट चीज़ों को यूज करके दुनिया के सारे 7 अजूबे यहाँ पर बनाए गए हैं, जो कि आप लोग देख रहे हो ये झुकी हुई मीनार बनी हुई है, जो कि ये भी वेस्ट ऑफ मटेरियल से बना हुआ है, ये भी यहाँ की खूबसूरती बनाता है, ये देख रहे हो। चलते हैं, आप लोगों को सुना था कि यहाँ दुनिया के सारे 7 अजूबे बने हैं, तो मैंने भी सोचा क्यों ना चलते हैं देखते हैं, और देखा यहाँ पे कहीं अच्छा लगा मुझे देख के यहाँ का व्यू। देख रहे हो दुनिया के सारे 7 अजूबे बने हुए हैं। आईफिल टावर, यार आईफिल टावर का व्यू भी आप लोग देख रहे हो, ये भी वेस्ट ऑफ मटेरियल से बनाया गया है। देखो इसकी डिजाइन सेम टू सेम ऐसे वेस्ट ऑफ मटेरियल से बनाया गया है। चीज़ों का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया गया है, कितना दिमाग लगाया, क्या सोच के वेस्ट चीज़ों का इस्तेमाल किया है, जो कि काफ़ी अच्छा है, ऐसे ही वेस्ट चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। आप लोग मेरे पीछे ये बना हुआ है, आप लोग को बैक कैमरास दिखाता हूँ, आप लोग को बैक कैमरास आप लोग अच्छे से वीडियो को देखें। आने वाला है वो ताजमहल का डिज़ाइन है, क्योंकि ताजमहल का डिज़ाइन यहाँ पर बहुत अच्छे से बनाया गया है, वो भी वेस्ट मटीरियल से। चलते हैं आपको ताजमहल का डिज़ाइन दिखाते हैं ऐसे बनाया गया है। देखा कैसे ताजमहल का वेस्ट ऑफ मटीरियल का इस्तेमाल करके बनाया गया है, काफ़ी अच्छा बनाया गया है, क्योंकि देखते हैं काफ़ी प्यारा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो गाइस इस वेस्ट ऑफ वंडर के नाम से ही मैं समझ गया था कि हाँ वेस्ट चीज़ों से बनाया गया है। पहले तो यूट्यूब पर मैंने काफ़ी रिसर्च कर लिया था यहाँ के बारे में, फिर मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा क्यों ना चलते हैं देखते हैं, एक बार विजिट करना तो बनता है। तो गाइस जो भी आए एक बार तो यहाँ पर ज़रूर विजिट करें, यहाँ पर ज़रूर देखें कैसी क्या चीज़ें यहाँ पर बनाई गई हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट व्यू की तरफ, नेक्स्ट व्यू क्या है जो किसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया गया है, आपको डिस्क्रिप्शन दिखाते हैं। इसकी हाइट है 25 फीट और वेट 19 फीट, एंड इसकी लेंथ जो है कि 9 फीट की लेंथ है। बनाया गया वेस्ट ऑफ मटेरियल से है, भी काफ़ी अच्छा इसका भी यूज किया गया है, काफ़ी अच्छा बेहतरीन डिज़ाइन बनाया है, देख के बहुत अच्छा लग रहा है। ज़्यादा भी देखता है कि ये इन सब चीज़ों से बनाए, फिर तो कोई बता नहीं पाया कि कैसे चीज़ों से बनाए वेस्ट चीज़ों से, जब देखेगा पूरा सही तरीके से तब उसे मालूम होगा कि वेस्ट चीज़ों से बना हुआ है। देख रहे हो स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये कुछ डिजाइन से बना गया है कैसे, ऊपर से हाथ में इसकी जो मसाल है वो साइकिल की रिम वगैरह के रिम की बनाई गई हुई है, जो कि आप लोग देख रहे हो कैसे रिम्स का यूज करके बनाया गया है, नट बोल्ट इन सब चीज़ों के यूज करके ये भी बना हुआ है। प्लस देख रहे हो आप लोग कैसे नट बोल्ट का यूज़ करके इसे बनाया गया है, क्योंकि थोड़ा नाइट हो गई तो व्यू अच्छा आ नहीं रहा है, तो शाम हो गया, अगर पहले आते पहले अच्छा हुआ, क्योंकि ऊपर जैसे दिखाता हूँ ना ऊपर कैसे दिख नहीं पता, नहीं लग रहा दिखने लगता है। तो आप लोग को बैक कैमरा से दिखाता हूँ इसको मैं,
लेकिन नाइट में जैसे मैं ऊपर करता हूँ अंधेरा आ जा रहा है हला। बट काफ़ी अच्छा बनाया गया है गाइस, देख लो कितना अच्छा प्यारा डिज़ाइन बनाया गया है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिली, काफ़ी अच्छा बनाया गया है यहाँ पे। तो गाइस एक बार यहाँ विज़िट करना तो बनता है। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगा हो। चलते हैं गाइस, बाय बाय। Yeah.